Hello students, good morning. How are you all? Hope everything is very fine at your place. So today it's our GK class, and in GK chapter, in chapter 1, we will study holy places. What is a holy place? Holy place kya hoti hai? Chapter ka naam kya hai? Holy place. Holy place kya hoti hai? Dharmik jagah, jahan par hum bhagwan ko poojne jate hain. Matlab mandir. Hum bhagwan ko poojne kahan jate hain? मंदिर. तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ऐसी होली प्लेसेस के बारे में जो बहुत ही हमारे इंडिया में फेमस है, जिसे देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पे अपनी प्रेयर्स करते हैं आकर. ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज बोधगया. बोधगया इज अ टेम्पल सिचुएटेड इन बिहार. कहाँ पे है ये? कौन से स्टेट में है? टेम्पल बिहार में. और इसकी खासियत क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी? स्पेशलिटी इज गौतम बुद्ध. गौतम बुद्धा के बारे में आपने सुना होगा. अगर आपने नहीं सुना है तो वो एक बहुत बड़े धार्मिक गुरु थे. ठीक है, और सबसे पहले वो राजा थे, फिर वो एक धार्मिक गुरु बने. ठीक है, और जब गुरु बनते हैं तो गुरु बनने के लिए आपको एक शिक्षा प्राप्त करनी होती है. तो उन्होंने वो शिक्षा कहाँ पे प्राप्त की? बिहार में. बिहार में उन्होंने बोध गया टेम्पल नाम के एक मंदिर में अपनी शिक्षा प्राप्त की. ठीक है, एक पेड़ के नीचे. ठीक है, तो इसीलिए यह मंदिर बहुत ज्यादा ही फेमस है. नेक्स्ट है वैष्णो देवी. वैष्णो देवी, दिस इज द एंशियंट केव ऑफ माता वैष्णो देवी. दिस इज द एंशियंट केव. एंशियंट केव क्या होती है? बहुत पुरानी गुफा. ठीक है, केव मतलब गुफा, जहाँ पे माता खुद जाकर रुकी थी, और फिर उसके बाद उन्होंने, माता ने वहां पे हमें दर्शन दिए थे, मतलब वहां पे जो जो लोग प्रेजेंट थे, और उसके बाद उस गुफा को एक मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया. एंड नाउ टुडे दैट इज कॉल्ड अ वैष्णो देवी टेम्पल, एंड इट इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट. कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? इन जम्मू एंड कश्मीर. थर्ड टेम्पल इज टेम्पल ऑफ तिरुपति. टेम्पल ऑफ तिरुपति, इट इज डेडिकेटेड टू विष्णु. विष्णु, आपने ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम सुना है. सो उन्हीं भगवान में से विष्णु जी को ये प्रस्तुत किया गया है ये मंदिर. इट इज द होम ऑफ मेनी रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और इसकी खासियत क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस टेम्पल? कि बहुत सारे यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के, जो हमने देखे भी नहीं है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं. और ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश. ओके, फोर्थ इज श्री हरमंदिर साहिब. इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड एंड इट इज नोन एज गोल्डन टेम्पल. गोल्ड, सोना. आपने देखा है सोना, जो आपकी मदर्स पहनती हैं, है ना, ज्वेलरी पहनती हैं, सोने की पहनती हैं. तो सेम ये मंदिर किससे बना हुआ है? सोने का मंदिर बना हुआ है. स्वर्ण टेम्पल, स्वर्ण मंदिर बोलते हैं इसको. एंड इट इज सिचुएटेड इन पंजाब, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. नेक्स्ट टेम्पल इज मीनाक्षी टेम्पल. इट इज डेडिकेटेड टू गॉडेस मीनाक्षी, अ फॉर्म ऑफ पार्वती. पार्वती माता का नाम सुना है आप लोगों ने, है ना, शिव जी की वाइफ हैं पार्वती माता, जिनको हम पूजते हैं. सेम मीनाक्षी गॉडेस भी एक गॉडेस है, एंड उन्हीं के नाम से ये टेम्पल बनाया गया है. ठीक है, उन्हीं को डेडिकेटेड है ये टेम्पल. और ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? इन तमिलनाडु. इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड फिल अप द वर्कशीट. So now students, it's the worksheet time. Okay, so the question in the worksheet is, write in which state the following holy places are situated. Question kya keh raha hai? Kaun se state mein ye jo famous temples hain, kaun se states mein situated hain? Jo humne teaching section mein bhi padha hai, you have to remember that. Okay, so first is Bodh Gaya. Bodh Gaya kahan pe hai? Bihar mein. I have filled that for you for the help, and next four you have to fill up with yourself. Okay. सेकेंड इज वैष्णो देवी. वैष्णो देवी कहाँ पे सिचुएटेड है? थर्ड इज टेम्पल ऑफ तिरुपति, दैट इज यू हैव टू फिल अप इन द ब्लैंक. श्री हरमंदिर साहिब एंड मीनाक्षी टेम्पल. ओके,